जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल फ्री नॉलेज 1919 एक पर। दोस्तों, हम अपने चैनल पर डेली जीके क्विज लेकर आते हैं, जिसमें आपको जीके, जीएस, हिस्ट्री और करंट अफेयर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जीके के क्विज खेलिए, और इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से ही कर लेना, क्योंकि आगामी दिनों में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर दिखने वाले हैं। दोस्तों, जीके के क्विज ध्यान से खेलिएगा, और यदि आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों, तो हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके 10 में से 10 सही हुए हैं करके। दोस्तों तो दोस्तों जीके के क्विज आराम से खेलिएगा, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमको कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, फरवरी 2020 में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार किस देश में बाल कुपोषण तेजी से घट रहा है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर है साथियों, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटीन दिवस जिसकी थीम प्रोटीन में क्या है, यह किस तिथि को मनाया गया है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसका आंसर है साथियों, 27 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसका आंसर है साथियों, सुपर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर है साथियों, ऋतिक रोशन। पांचवा क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में मोस्ट प्रमोशिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर है साथियों, किच्छा सुदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर है साथियों, जादव पाएंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर है साथियों, 21 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में किसे बनाया है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर है साथियों, बिमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज हाल ही में किसने जीता है। ऑप्शन आपको कुछ स्क्रीन पर इस प्रकार दिख रहे हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है साथियों। इसका आंसर है साथियों, एडलिन कैस्टेलिनो। लैरी टेस्लर का हाल ही में देहांत हो गया, वह कौन थे। आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है साथियों। इसका आंसर है साथियों, कंप्यूटर वैज्ञानिक। साथियों, यह लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विश्व आंध्र भूमि दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट्स करना है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है।
साथियों, हम अपने चैनल पर डेली जीके के क्विज़ लेकर आते हैं। आप डेली जीके क्विज़ लगाइए और अटेंड करिए और आप देखिए कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। दोस्तों, जल्दी हम अपने चैनल पर जीके करंट अफेयर लेकर आने वाले हैं। जल्दी आपको देखने को मिलने वाले हैं हमारे चैनल पर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए जीके करंट बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो की अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो कुछ बहुत ही अच्छी होने वाली है आपके लिए और आपको बहुत कुछ हमारे चैनल में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। जय हिंद।